आज इस वीडियो में जो शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। जैसे ही आप लोग जानते होंगे ये उसका वेबसाइट है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक गोयनका ग्रुप कंपनी है। पहले भी दो बार हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस टाइम हम लोग उसको यहाँ पर एक बार परचेज करने के लिए परचेज किए थे, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर गया नहीं और घूम फिर के आ गया, तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट से निकल गए। फिर एक बार इधर भी परचेज किए थे क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था, लगा कि ऊपर जाएगा लेकिन गया नहीं, फिर से डाउन आया था, हमको अपना स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए होंगे। अब एक बार फिर से हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि इस चार्ट पे अभी कंसोलिडेटेड अगर वीकली में जाएंगे, एक बार ये ऊपर गया और पूरा करेक्शंस हो गया, यहाँ तक करेक्शंस हो गया 278 के आसपास, ये एक लो लगाया होगा 278 के आसपास, फिर एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आके यहाँ से अभी ये घूमने के लिए कोशिश कर, जो लॉन्ग करेक्शन था 2 साल का वो अभी ऑलमोस्ट लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पूरा बॉटम में उसको जैसे परचेज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ था 280 के आसपास, यहाँ इस कैंडल पे हम लोग इसलिए परचेज नहीं किए यहाँ पर, ताकि एक बार कंफर्म होना था कि यहाँ से नीचे जाएगा यहाँ से ऊपर जाने का, अगर क्योंकि यहाँ से वो 50% भी कैंडल क्रॉस नहीं किया और फिर से घूमना एक बार कोशिश कर रहे घूमने के लिए, तो हम लोग इसको यहाँ से ले सकते हैं 300 से ऊपर। एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखेंगे रखेंगे 297 या 298, बेटर रहेगा 297 ऐसे रख के हम लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग उसको नजर में रख सकते हैं ये वाला से, और जैसे आप अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी ये सब देखना चाहेंगे, ऑलरेडी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका ईयर बाय ईयर प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल 250 करोड़ के आसपास था, इस बार प्रोजेक्टेड जो है वही 210-220 के आसपास दिखा रहे, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर इस शेयर अभी मार्केट में जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ऊपर की तरफ मार्केट में सभी शेयर चलने लगेंगे तो शायद ये भी ऊपर जा सकता है, तो हम लोग इसमें पोजीशन बनाएंगे। आज बनाना था रह गया, लेकिन कल अगर ये 300 से ऊपर ही खोलेगा तो मैं उसमें पोजीशन बनाऊंगा। तो ये था लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है उसके बारे में डिस्कशन आज के वीडियो में। आप इसको चार्ट अच्छे से देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। कल जैसे ही बात हुआ कि कल अगर ये 300 से ऊपर रहा तो हम पोजीशन उसमें बनाएंगे आगे का, मैं उसमें पोजीशन बनाऊंगा तो आगे का देखेंगे। और छोटा सा स्टॉप लॉस दो तीन तीन चार रुपए का 297-290 ऐसे देके 96 देके उसको होल्ड करूंगा। अगर यहाँ से फिर से पलट होगा कि वो बहुत नीचे तक जा सकता है या मिनिमम 270 तक आ सकता है, फिर देखेंगे एक बार। तो ये था आज के वीडियो में डिस्कस। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मुझे कुछ ऐसा शेयर के बारे में मतलब लगे कि ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी आप उसका देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।